जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दीज क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट प्रोसेस, वो क्या है आज हम उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि सबसे पहले आपकी हमारे से एक प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, वी टेक योर पिक्चर रिकॉर्ड्स, वी टेक योर डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स, और उसके बाद हम स्कैन करते हैं विच इज़ अ 3D स्कैन, जिसमें आपके 3D जो इशूज होते हैं उसको केटर किया जाता है। वो जो 3D सेटअप है वो हम पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं। ये 3D सेटअप आपको आपका बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट जो है वो शो कर रहा होता है। कुछ पेशेंट्स के केस में अलाइनर जो हैं वो बैजेस के फॉर्म्स में आते हैं, और कुछ केसेस के अंदर जो है वो हम पूरा बॉक्स एक साथ मंगवा लेते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ओवरसीज पेशेंट्स, तो हम उनको एक साथ वो पूरा बॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं। पेशेंट को अपने एंड पे ये करना होता है कि हम जो है वो फर्स्ट स्टेप में उनको एक 0 अलाइनर देते हैं, जिस पे उनकी फिटिंग भी चेक हो जाती है, जिससे उनको उतारने डालने और उसके लिए अपने आप को प्रैक्टिस में भी ले आते हैं। फिर सेकेंड अलाइनर से जो है हम टर्न बाय टर्न IPRs, EBTs, अटैचमेंट्स के जो प्रोसीजर्स हैं वो पेशेंट्स के साथ करते हैं। और फिर पेशेंट जो है वो अपने एंड पे एवरी 10th डे आफ्टर वेयरिंग द अलाइनर फॉर 18 to 20 hours उसको चेंज करते हैं, सीक्वल ऑफ अलाइनर को फॉलो करते हैं, एंड दे अचीव देयर टारगेट results in next 10 to 12 months, जिसके बाद पेशेंट जो है वो अपने अलाइनर्स खत्म करके अपना ट्रीटमेंट, अपना टारगेट रिजल्ट अचीव करते हैं और उसको रिटेन करने के लिए रिटेनर्स पहनते हैं। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, और अगर आपको इससे रिलेटेड अब मजीद किसी तरह का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और हमसे राबता भी कर सकते हैं।